हेलो प्यारे बच्चों, सारे नूं सत श्री अकाल। जमात दूसरी दे सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कल असीं बच्चे वर्कशीट नंबर 3 दा भाग पहला तुहाडे सामने पेश कीता सी, जिहड़ा तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो। सवाल नंबर 1 तो लैके 10 तक असीं प्रश्न हल कीते सी अंग्रेजी दे, और पार्ट नंबर 3 वॉवल साउंड ए ये बारे असीं सारा डिस्कस किया। 10 नंबर प्रश्न तक अज असीं इसका दूसरा भाग लैके आए हैं, जिहदे विच सवाल नंबर 11 तो लैके बाकी दे सवाल असीं हल करने। जल्दी नाल शुरू करते हैं इस आस दे नाल कि तुसीं अपने घरां विच बिल्कुल सेफ सुरक्षित ते बिल्कुल तंदुरुस्त होवोगे। परमात्मा पासों तुहाडी बेहतरी की हमेशा मैं कामना करता रहना हाँ। तुहाडे नाल बैठे तुहाडे माता पिता, वड्डे भैण भरा, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, संगी साथी, दोस्त मित्र अते मेरे बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साथी जिन्हां ने वीडियो तुहाडे तक लैके आंदी है, तुसीं देख रहे हो, ये उन्हां दी बदौलत ही है कि तुहानू वीडियो देखण नूं मिली है। सो उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां, उन्हां दा स्वागत करदा हाँ, और आस करदा हां कि इस तरह ही अध्यापक साथी वीडियो शेयर करते रहेंगे, तुहाडे तक पहुँचाते रहेंगे। इस आस दे नाल चलो वीडियो शुरू करते हैं। सीधा मैं राइट अवे तुहानू प्रश्न नंबर 11 ते लैके जा रहा हाँ, जिथे आपां छड्डिया सी। सो आपां प्रश्न नंबर 11 ते आ गए बेटा, हल करते हैं इसनू। राइट ए फ्रेज फॉर गिवन पिक्चर यूजिंग एंड, ठीक है। हुण फ्रेज की होंदी है बेटा, शायद तुहानू पता होएगा कि फ्रेज किसनू कहिंदे ने। नहीं, फ्रेज उसनू कहिंदे ने बेटा जदों असीं कोई छोटा जिहा वाक बनाउंदे आ इन्हां नूं जोड़न वास्ते, जिस तरह बिल्ली अते चूहा है, तो आप इस किस तरह लिखांगे। अ कैट एंड अ माउस। सो सही की करना पिया, सानू कैट ते माउस सानू नज़र आ रहा है, एंड भी नज़र आ रहा, आपां अ लाया, ठीक है, अ कैट एंड ए माउस। इस तरह अगे की लिखांगे, अ हैट एंड ए कैप, अ हैट एंड ए कैप, ठीक है। इस तरह असी इसनों जोड़ांगे। अगे है मतलब कहन दा भाव के ए फ्रेज लाएगा, केड़ा आएगा, ए। इस तो अगे है 12, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करैक्ट पेयर। इन्हां दोवां विच्चों सही केड़ा है। इस तरह बैट तो बैट्स, मैट तो मैट, इकला मैट लिखा होया लेकिन आना सी बैट तो बैट से, सही है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है, सही पेयर है, सही जोड़ा है। इस तो अगला है प्रश्न नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ और ई, ठीक है। हुण पहले विच देखो की है, पहले च है केक, सी ए के ई केक, दूसरे विच पी एल ए टी ई प्लेट, तीसरे विच गेट जी ए टी ई गेट। हुण वेल्च की आएगा, डबल्यू ई डबल एल वेल, ठीक है, शाबाश। चलो अगे है प्रश्न नंबर 14, ये नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चूज़ द करैक्ट फ्रेज फॉर द गिवन पिक्चर एंड राइट इट कर्सिव राइटिंग, ठीक है। हुण इहदे विच आपां फ्रेज उस तरह चुनना है, ए सैड मैन रैन, ठीक है, एक उदास आदमी दौड़िया, सॉरी आपां उदास है आदमी दौड़ावांगे नहीं, सॉरी, ये है बैठा हुआ उदास आदमी, बस आपां लिखना ही है जिस तरह आदमी दौड़ रहा है। ये वास्ते फ्रेज़ केड़ा है, केड़ी लाइन है,
A man ran. A man ran. A man ran. इस तरह ही कैट की कर रही है, ए फैट कैट रैन. अ फैट कैट रैन. ठीक है, ये दो में नोट कर लो पहला. आगे है A sad man. A sad man. ठीक है, दूसरा है A fat man. ठीक है, नोट कर लो इसनों भी, वीडियो पॉज करके नोट करो. आ फैट मैन सैट लिखना बेटा, ठीक है, इतों देख के लिखना है ए वाला. आ फैट मैन सैट ते आ सैड मैन इत लिखना है. ठीक है, ताकि भुलेखा ना पावे, मैं दोबारा दस रहा. चलो इस तो अगे चलते हैं. प्रश्न नंबर 15. एनसर्कल द वर्ड्स, एनसर्कल द वर्ड्स इन द ग्रिड एंड राइट द गिवन स्पेस. ये बेटा शब्द लभने आप, ठीक है, शब्द लब के आप खाली स्पेस से जोड़े लिखने हैं. चलो तो मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा अपनी इस ग्रिड विचों, ये विचों, सारे विचों तुसी शब्द लभो तो थले खाली स्थान पर लिखो. चलो 5 मिनट तुम दे रहे हैं, वीडियो पॉज करो. चलो बेटा तुसी लभ ले होंगे, हुण मैं तुहानू ग्रिड दे विचों दस दिना कि कड़ी कड़ी है. तुसी नीचे खुद लिखने हैं, ठीक है. सब तो पहला है वेट, डब्ल्यू ई टी वेट. देखो कितने है वेट, पहला वेब लिख लो. चलो ठीक है, वेट भी आप लभ लें. अगला है बैग, बी ए जी बैग. बी ए जी बैग, ठीक है. अगला है बैड, बी ए डी बैड. ठीक है, इस तो अगे है मैन, एम ए एन मैन. मैन तो अगे है एट, ईट का दूजी फॉर्म बेटा एट होंगी, वैसे एट भी खाना होंगे, ए टी ई एट, खाधा कोई चीज़ खाधी एट. ठीक है, इस तो अगे है वैब, डबल्यू ई बी वैब. वो मैं तुम्हें पहले लगाता है बैग, बी ए जी बैग. वो भी तुम मैं पहले लगाता है बैग. इस तरह बेटा तुसी अपने कोलों कोशिश करके होर भी लभ के लिख सकते हो, ठीक है. अगर मैं लभांगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, सो टाइम नूं बचाउण लई तुसी खुद बाकी जिहड़े 5-6, 4-5 होर लभ जाने तुहानूं, ठीक है, वो तुसी खुद वर्ड जिहड़े लभ सकते हो ते थले लिख सकते हो. ठीक है, यह नोट कर लो, वीडियो पॉज करके जिन्ने लिखाए नोट करो. चल अगे है प्रश्न नंबर 16. कलर द शेप्स हैविंग एंडिंग पैटर्न 8. जिहदे मगर ए टी ई नाल खत्म होंदे ने जिहड़े शब्द बेटा, वो आपां लभणे ने, उहनू कलर करना है. ठीक है, हुण किहनू किहनू कलर करोगे, जिहदे मगर ए टी ई लिखिया होया, जिस तरह गेट दे मगर ए टी ई सानू लभ गया, इहनू तुसीं कलर कर दो, कोई भी रंग कर सकदे हो. ठीक है, चलो मान लो इहनू मैं इहो रंग ही कर दिंदा सारे नूं, ठीक है, सारे रंग करना. इस तरह ही लेट
एल ए टी ई लेट इनू भी रंग कर दौ, ठीक है, सारे रंग कर सकते हो जिदे मगर ए टी ई आ रहा। इस तरह डेट पहला एच किया, एको जो रंग कर देना ताकि भुलेखा ना पवे। फिर डेट डी ए डी ए टी ई, ये मगर भी ए टी ई आ रहा है ना, सो इन भी कलर कर देंगे। इस तरह ही हेट, ये मगर एच ए टी ई आ रहा, इन भी कलर करोगे। इस तरह ही रेट आर ए टी ई, इस भी कलर करोगे। समझ लग रही है ना, ठीक है, ये सारे तुसी इस तरह कलर कर दोगे। चलो अगे है प्रश्न नंबर 17, कंप्लीट द सीरीज़। हुण जिहड़ी सीरीज़ है लगातार कोई चीज़ चल रही है, वर्ड चल रहे, इन्हें पूरा करना है। किस तरह पूरा करांगे, जिस तरह है पे ले हे वे, ठीक है। इस तो अगे क्या आएगा, बे डे, ये लाइन कंप्लीट होगी, इसको लिख लो। अगला है हॉल बॉल कॉल, ठीक है, कॉल दे अगे वॉल, फॉल हॉल, ठीक है। टॉल लिख सकते हो, इनू रहन दो, टॉल लिखो टी ए डबल एल, ठीक है बेटा। इस तरह है नेम गेम, फेम, फेम तो अगे क्या आएगा, नेम, ठीक है, सेम, ये भी पूरा हो गया, ठीक है। इसमें लिखो अगे है पा ला जा रॉ आर ए डब्ल्यू रॉ ते सौ, ये भी पूरा हो गया, ठीक है। ये सारे नोट कर लो, शाबाश, वीडियो पॉज करके सारे नोट करो। चलो अगले प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, चूज द इनकोरैक्ट पेयर, जोड़े गलत जोड़े ने वो चुनने ने। डेट डेट्स, गेट गेट्स, लेक लेक लिखा हुआ, ठीक है, यही गलत है क्योंकि लेक्स आना सी, इसमें नोट करो, ठीक है, लेक्स आना सी प्लूरल, सारे प्लूरल ने, जिस तरह डेट डेट्स गेट गेट्स, लेकिन ये भी आना सी लेक लेक्स, ये गलत है, ठीक है। अगे है गिव द प्लूरल फॉर द गिवन वर्ड्स, हूँ आप प्लूरल देने हैं किड़े है, प्लूरल मीनस के बहुवचन। डक द डक्स, ठीक है, नेम द नेम्स, नेल द नेल्स, हॉल द हॉल्स, ठीक है, नोट करो। अगे है प्रश्न नंबर 20, मेक फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, हुण गिवन वर्ड्स का फ्रेज बनानी है, किस तरह बनानी है, अ मैन। सो बच्चे ये फ्रेज किस तरह बनाने ने, जिस तरह अ सैड मैन, ठीक है, इस तरह बाकी भी बना सकते हो, अ
फैट रैट, ठीक है, सॉरी फैट नहीं है, अ सैड लैड, ये बना सकते हो, अ सैड लैड। इस तरह बेटा बनाते जाना अगे अगे, जेडे तुहानू फ्रेजल लगते है उस तरह बनाई जाने हैं, जिस तरह अ कैट या अ सैड कैट, ठीक है, इस तरह। फिर इस तो अगे अ बैड डे, ठीक है, अ बैड डे। ठीक है, इस तरह अ लैड गेम, या इस तरह होर भी तुसी जिहड़े लभ सकते हो वध तो वध बना सकते हो। कोशिश करो कि इस तरह दे बन, तीन अक्षरां दे, तीन लैटरां दे, सॉरी तीन वर्ड्स जिहड़े ने घट्टो घट्ट बन इस तरह ही, दो वर्ड और एक नाल फ्रेज, ठीक है, इस तरह तुसी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तो अगे है प्रश्न नंबर 21, सॉरी 20 तक की सी। सो ये बच्चों अभी तुसी भाग नंबर 2 किया, अच्छी तरह किया, चंगी तरह अभ्यास की, वीडियो में दो तीन बार देख के अभ्यास करो, किताब तो भी अभ्यास करनी है। अध्यापक साथियों धन्यवाद, वीडियो जरूर शेयर करो जी, प्यारे बच्चे इसे तरह ही लगातार तुसी वीडियो में देख के अभ्यास करते रहो, ताकि तुहानू जिहड़ा है मुश्किल पेश ना आए, और लगातार तुसी जिहड़ा वॉवल साउंड ए कराया गया है उसते अभ्यास करो। सो बच्चों अगली वीडियो फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखियो, अपने माता पिता का अपने तो ज़्यादा ख्याल रखियो, और कोशिश करो कि नाल नाल काम मुकाई जाओ, क्योंकि वर्कशीटा फिर ज़्यादा हो जाणियां ने, फिर काम जिहड़ा है ज़्यादा होण करके फिर संभव नहीं हुंदा करना। सो कल फिर एक नवी वीडियो मिलेंगे, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद, सारिआं नूं सति श्री अकाल।